हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। ज़िंदगी का असली मजाक खेलने में है, और आज के खेलने में हम आपके लिए लाए हैं एक नहीं दो नहीं बल्कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वियर्ड थिंग्स। जी हाँ, बहुत ही वियर्ड 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 डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के थिंग्स हैं। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं इस चीज़ से। ये देखिए, ये है डोरेमोन का पियानो। जी हाँ, इसमें बैटरी डालना पड़ेगा, तो बैटरी डाल लेंगे और दिखाता हूँ मैं। तब तक एक और चीज़ बताता हूँ मैं। ये है डोरेमोन का, ये पिचकारी बोल सकते हो आप। यहाँ पर से पानी डालना होगा और ये फायर करेगा। तो ये थे नॉर्मल नॉर्मल छोटे छोटे चीज़ा। ये हो गया, लग गया। तो यहाँ से पिचकारी मारे तो यहाँ दिख रहा है ना, मुंह में से पानी छोड़ेगा। तो अब ये है डोरेमोन का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार बोल सकते हो। ये तो नॉर्मल था। तो चलिए बढ़ते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ों पे। तो यहाँ पर एक और चीज़ है डोरेमोन का, क्या है, मॉडलिंग डॉट क्ले बोल रहे हो। तो चलिए इसके अंदर बताता हूँ मैं क्या क्या निकलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्ले मिला है, 1 2 3, तो 4 कलर्स दिख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी, और ये 5 कलर्स हैं, और नीचे एक है। तो यहाँ पर देखिए, ये खाली बॉक्स हो गया, तो क्लेज भी इसमें डाल देंगे। और बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या मिलते हैं इसके अंदर मोल्ड्स। तो ये देखिए, ये मोल्ड्स मिले हैं जो आप शेप बनाने में हेल्प करेगा, क्रिएटिविटी। ये रहा, और ये क्ले जो इसके अंदर मोल्ड्स के अंदर डाल के कर सकते हो आप। तो चलिए बढ़ते हैं और अगले ये वाले पर। तो ये एक मेटल डिटेक्टर है यार, आपने मेटल्स तो देखा ही होगा, पुलिस वाले सिक्योरिटी वाले मॉल्स में वहाँ यूज़ करते हैं। तो ये मेटल डिटेक्टर कैसा है क्या है बता देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर एक लाइट है और यहाँ पर स्कैनर है। तो ये स्कैनर को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ बता रहा है, इंस्ट्रक्शंस नीचे करो बोल रहा है। तो यहाँ पर बैटरी आएगी, तो देखिए ये टाइप की बैटरी आती है, तो इसको डाल लेंगे हम आराम से। तो प्लस और माइनस देखना पड़ेगा इसका, तो इस तरह से डाल लेंगे, और उसके बाद इसको नीचे से दबा के यहाँ पर लगाएंगे, इसको दबाना होगा, ये यहाँ से लॉक हो जाएगा। तो बैटरी पलटा के डाल के देखेंगे, ये लग गया है। ये देखिए, अभी ये स्टार्ट हो गया है। अगर मेटल अगर कुछ है तो ये डिटेक्ट कर लेगा। अभी वाइब्रेट हो रहा है यार, ये वाइब्रेशन हो रहा है। और यहां पर देखिए एक बटन है, इसको दबाने से साउंड आएगा आपको। तो इसके अंदर कुछ मेटल है, इसलिए ये डिटेक्ट कर पा रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार ये। कहीं पर भी आप कुछ भी है मेटल डिटेक्ट करना है तो लाइक आप आराम से कर पाओगे। तो इसमें कुछ मेटालिक बोल रहा है, यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी डिटेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर क्या सो प्लास्टिक की वजह से नहीं जा पा रहा है शायद रेंज उतना। पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार ये। देखिए, हाथ में पहनने के लिए भी कुछ दिया है इधर, ये देखिए अभी रेडी है। ये प्लास्टिक है, इसके अंदर है बोल रहा है, ये काफ़ी बढ़िया है यार। तो चलिए इसे साइड में लगा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले की तरफ, और देखते हैं लास्ट में, देखते हैं ये काफ़ी कमाल की चीज़ है यार। इसे बोलते हैं पबजी का जीप। जी हाँ, पबजी का जीप। तो कौन कौन खेल रहा है यार पबजी आजकल, या बैटल फील्ड ग्राउंड या फ्री फायर बोल सकते हो। देखिए इस तरह से है यार, नॉर्मल है ये, ऊपर नीचे जाएगी बस, और पूरा प्लास्टिक है। ये देखिए, एक लुक अच्छे से देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। तो चलिए
दूसरा वाला खोल लेते हैं जो इंटरेस्टिंग है, ये वाला। तो ये रहा हमारा पज़ल ब्लॉक, 199 पीसेस बोल रहा है। और देखिए काफ़ी चीज़ें बना सकते हो आप इससे, एक रोबोट बना सकते हो, प्लेन बना सकते हो, क्रिएटिविटी बहुत सारी बढ़ जाएगी यार। तो चलिए दिखाता हूँ मैं इसके अंदर क्या क्या आते हैं। तो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स, देखिए स्टिकर्स है और लेगो। अगर इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आ जाते हैं तो हम लेगो का लाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली होता है यार। 30,000-40,000 का एक लेगो का सेट होता है, फरारी ले लो, कुछ भी ले लो, और 5,000-6,000 के होते हैं यार, काफ़ी महंगे होते हैं लेगो के, पर काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप चाहते हो कि लेगो के लाओ तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। छोटे छोटे पार्ट्स मिले हैं देखिए, और भी है इसमें, ये देखिए। तो ये यहाँ पर रहा, तो ज़रूर आपको पसंद आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। तो चलिए इसको अंदर लगा देते हैं और खोल लेते हैं जिसका हमें इंतज़ार था। तो ये है कुछ क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए सुपर क्वाइलर, गोल गोल रिबिन्स बनाने का है अगर, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। चलिए इसको निकाल लेता हूँ मैं, बताता हूँ मैं आखिर क्या क्या दे रहा है इसके साथ। ओहो, एक बुक दिया है, ये देखिए ये बुक के अंदर क्या क्या दिया है। आप एक इस तरह से बना सकते हो, या फिर ये बना सकते हो, केकड़ा बना सकते हो, पूरा पैटर्न दिया है और इसका टीचिंग भी दिया है कैसा करना है, गाइड बोल सकते हो। तो ये गाइड को साइड में लगा देंगे, और यहाँ पर भी कुछ पैटर्न दिया है ये जो हमें ट्राई कर सकते हैं। ये मैनुअल है किस तरह से यूज़ करना है एक क्विल को, और यहाँ पर कैसे कुछ रिबन्स हैं। तो इसमें से एक रिबन निकाल लेते हैं और क्या है देखते हैं इसके अंदर। अंदर चिपका हुआ है यार, तो निकालते हैं और देखते हैं क्या है। तो ये देखिए, ये हमने निकाल लिया है, ग्रीन कलर का है, और यहाँ पर देखिए लगाने के लिए है, और यहाँ पर शेल गिरते हैं, टोटल 2 बैटरीज गिरते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला वाला हमने डाल लिया और ये दूसरा वाला, तो उसके बाद आराम से लगा देंगे इसको। ये आराम से लग गया है, तो ये रहा। उसके बाद ये गोल फिरेगा यार, तो बैटरी शायद, हाँ ये अभी गोल फिर रहा है, तो इसको साइड में लगाते हैं। ये लग गया, ये गोल फिर रहा है, तो उसके बाद हमें इसको लगाना होगा। ये लग गया, तो अभी देखिए ये हो गया। तो अभी ये जो है ना, इसके अंदर कैसे एक गैप आता है, जैसा कि आप देखोगे, ये देखिए ये गैप में लगाना पड़ता है, तो ये गैप में लग गया। उसके बाद आपको सिर्फ ये दबाना है, रिवर्स भी कर सकते हो, तो इस तरह से कुछ बनेगा यार। चलिए फिर से बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, वाओ, निकाल लेंगे इसको। ये देखिए कुछ इस तरह से बना है यार, और इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, डिपेंड करता है। तो इसको चिपकाने का भी दिया है, जिससे कि आप अपना आर्ट वर्क पूरा कर लें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना यार, इसी बात पे तो लाइक होना चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ और बच गया है, जिसे बोलते हैं पबजी। देखिए पबजी का तो ये तो रह गया यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, क्या ब्रिफ केस बोलते हैं ना, ब्रिफ केस, हाँ वाह। ये देखिए गन काफ़ी महंगी है यार, ये देखिए इसको ये लोड कर दिया, मार दिया। ओ भाई यहाँ से गोलियाँ डालना पड़ेगा, देखो साउंड काफ़ी अच्छा है यार। ये देखिए गन, और यहाँ पर एक लेज़र लाइट दिया है शूट करने के लिए, और यहाँ पर ट्रिगर भी काफ़ी अच्छी दी है। ये देखिए
एकदम ओरिजिनल टाइप दिख रहा है ये गन, ये देखिए वाओ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।